पांच से छह लोगों की फैमिली के लिए अगर आप एक बेस्ट फ्रंट एंड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहते हैं और कंफ्यूज है एलजी और सैमसंग की फ्रंट एंड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एलजी और सैमसंग की 8kg 5-star फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे इन वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स और कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बातें जिससे कि आपको मदद मिलेगी इनमें से एक बेस्ट वॉशिंग मशीन को अपने लिए परचेस करने में। अगर आप पहली बार अपने लिए कोई भी वॉशिंग मशीन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आए जैसे कि आपको वॉशिंग मशीन कौन सी लेना चाहिए, एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें या फिर एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें, फुली ऑटोमेटिक लें तो कौन सी लें, टॉप लोड लें या फिर एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें, वॉशिंग मशीन आपकी फैमिली साइज के हिसाब से आपको कितने किलो की परचेस करना चाहिए जैसे कि 6kg 7kg या फिर 8kg, वॉशिंग मशीन के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होना चाहिए जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन से आपको एक बहुत ही बढ़िया वॉश क्वालिटी देखने को मिले, और वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना हुआ है जो कि कंप्लीट वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड वीडियो है, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन ज़रूर चूज़ कर पाएंगे। फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दोस्तों आपको फ्रंट में एक गेट मिलता है, उसी गेट को ओपन करके आपको कपड़े वॉशिंग मशीन में लोड करने होते हैं। उसके बाद सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, यानी कि एक ही कंपार्टमेंट से आपको कपड़े वॉश और ड्राई होकर मिल जाते हैं। बात कर रहे हैं फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स की, तो प्रॉस ये है कि दोस्तों ये वॉशिंग मशीन टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले पानी की खपत कम करती है, वहीं अच्छी खासी पावर सेविंग भी आपको प्रोवाइड करती है। और वॉश क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों वॉश क्वालिटी भी आपको एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको वॉशिंग प्रोग्राम और फीचर्स भी जो हैं वो एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ज़्यादा मिलेंगे। वहीं कमी की बात करें तो कमी ये है कि दोस्तों प्राइस में थोड़ी सी आपको महंगी देखने को मिलेगी कंपेयर टू सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले, लेकिन अगर आपके लिए प्राइस कोई कंसर्न नहीं है तो आपको फिर अपने लिए एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही परचेस करना चाहिए। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वॉशिंग मशीन की वाटर इनलेट पाइप के साथ में एक आप वाटर सॉफ्टनर डिवाइस जो है वो अलग से ज़रूर इंस्टॉल करा ले में, क्योंकि वाटर सॉफ्टनर डिवाइस दोस्तों हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करता है जिससे कि आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी वॉशिंग मशीन से मिलती है। अब हम LG और सैमसंग की 8kg 5-star फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में डिटेल कंपैरिजन को शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इन दोनों की वॉशिंग मशीन में मिलने वाले सिमिलर कॉमन फीचर्स के बारे में। तो आपको ड्रम दोनों ही वॉशिंग मशीन में स्टेनलेस स्टील का बना हुआ देखने को मिलेगा, जिसका पेटेंट नेम ब्रांड टू ब्रांड आपको अलग अलग नाम से मिलेगा। LG में इसे टर्बो ड्रम कहते हैं जबकि सैमसंग में इसे डायमंड ड्रम कहते हैं। वहीं दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको इनबिल्ट हीटर मिलता है, यानी कि आप गर्म पानी में इन दोनों ही वॉशिंग मशीन से कपड़े वॉश कर सकते हैं। वहीं टब क्लीन का फीचर भी आपको दोनों ही वॉशिंग मशीन में मिलेगा, और ये फीचर काफ़ी काम का है दोस्तों, क्योंकि हम जब कभी भी लगातार वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करते रहते हैं तो वॉशिंग मशीन के ड्रम के ऊपर हार्डनेस एक परत जम जाती है कपड़ों की मील की या फिर डिटर्जेंट की, तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस फीचर को दोस्तों आपको एक से डेढ़ महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और इसके लिए मार्केट में डिस्केलिंग पाउडर भी आता है। LG के पास दोस्तों डिस्केलिंग करने के लिए खुद का डिस्केलिंग पाउडर है, आप उसे इस्तेमाल करके टब क्लीन कर सकते हैं, जबकि सैमसंग में आप किसी भी ब्रांड के टब क्लीन पाउडर को यूज़ करके उसे क्लीन कर सकते हैं। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको मैजिक फिल्टर और लिंट फिल्टर मिलता ही है। दोस्तों आपको मैजिक फिल्टर और लिंट फिल्टर को ये ध्यान रखें कि हफ्ते या डेढ़ हफ्ते में एक बार ज़रूर निकाल कर साफ़ करना है, क्योंकि जब कभी भी हम रेगुलर वॉशिंग मशीन में वॉश करते रहते हैं तो जो कपड़ों के रुए होते हैं या जो डर्ट होती है वो मैजिक फिल्टर के ऊपर जाकर जमा हो जाती है। तो आपको सिंपली उसे बाहर निकालना है, साफ़ करना है और दोबारा लगा देना है, जिससे कि वॉशिंग मशीन से आपको बहुत अच्छी वॉश क्वालिटी लगातार मिलती रहे। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको ऑटो रिस्टार्ट का फीचर मिल जाता है, और ये फीचर इस तरीके से काम करता है कि सपोज़ अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश कर रहे हैं और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई है, और जब कभी भी दोबारा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो दोस्तों वॉशिंग मशीन कपड़े आपके वहीं से वॉश करना स्टार्ट करेगी जहां पर पहले उसने स्टॉप किए थे, आपको अलग से कोई भी वॉश साइकिल या पूरी प्रोसेस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है, साथ ही आपको क्विक वॉश का फीचर भी मिलेगा। क्विक वॉश के फीचर को यूज़ करके आप कम कपड़े वॉश कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 2 या 3 कपड़े हैं और उसे आपको वॉश करना है जल्दी से तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। वहीं स्पिन स्पीड की बात करें तो दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको 1400 RPM की स्पिन स्पीड मिलेगी, और एक वॉशिंग मशीन में जितनी ज़्यादा स्पिन स्पीड होती है उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो वॉशिंग मशीन आपके कपड़े ड्राई करती है।
अब हम इन दोनों की वॉशिंग मशीन में क्या अदर फीचर्स मिल रहे हैं उनको कंपेयर करना शुरू करते हैं। वॉशिंग प्रोग्राम की बात करें तो एलजी की वॉशिंग मशीन में आपको 10 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे, जबकि सैमसंग में आपको 22 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे। वैसे दोस्तों इतने ज़्यादा वॉशिंग प्रोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं होती है, 10 वॉशिंग प्रोग्राम भी काफ़ी होते हैं। वहीं मोटर की बात करें तो आपको एलजी की वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर मिलती है, और ये मोटर दोस्तों काफ़ी कम नॉइस करती है और अच्छी खासी आपको पावर सेविंग भी प्रोवाइड करती है। लेकिन मैकेनिज्म की बात करें तो दोस्तों आपको डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी की मोटर मिल रही है, यानी कि आपको बेल्ट लगा हुआ नहीं देखने को मिलेगा, जबकि आपको सैमसंग की वॉशिंग मशीन में जो मोटर मिल रही है वो डिजिटल इन्वर्टर मोटर मिल रही है। ये भी मोटर दोस्तों काफ़ी कम नॉइस करती है और अच्छी खासी पावर सेविंग करती है, लेकिन इसमें बेल्ट इन ड्राइव मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। वहीं अदर टेक्नोलॉजी क्या मिल रही है तो आपको सैमसंग की वॉशिंग मशीन में जो है वो इको बबल टेक्नोलॉजी मिलती है, और ये फीचर जो है वो काफ़ी बढ़िया वॉश क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, जबकि आपको एलजी की वॉशिंग मशीन में 6 मोशन डीवी टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलती है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको बहुत बढ़िया वॉश क्वालिटी एलजी की इस वॉशिंग मशीन में मिलेगी। वैसे दोस्तों दोनों ही वॉशिंग मशीन में एक और कॉमन फीचर मिल जाता है, वो ये है कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। सैमसंग में दोस्तों आपको स्मार्ट थिंग ऐप्स मिलेगी, जिसमें आप प्रॉपर ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ से रिजॉल्व करा सकते हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली वहाँ से सर्विसेज भी बुक कर सकते हैं। वहीं आपको एलजी की वॉशिंग मशीन में ये फीचर जो है वो एलजी की थिंक्यू ऐप के थ्रू मिलेगा, यानी कि एलजी की थिंक्यू आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके आप प्रॉपर ट्रबल शूट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन में एग्जैक्ट क्या इशू है, या फिर आप कस्टमर केयर का भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो दोनों सपोर्ट आपको जो है वो एलजी की वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाते हैं। वहीं वारंटी की बात करें तो आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर और 10 साल की मोटर पर वारंटी मिलेगी एलजी की वॉशिंग मशीन में, जबकि सैमसंग में आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर और 20 साल की मोटर पर वारंटी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर वारंटी के लिहाज से आपको सैमसंग जो है वो 10 की जगह 20 साल की मोटर पर वारंटी दे रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। वहीं प्राइस की बात करें तो आपको एलजी की वॉशिंग मशीन फ़िलहाल मिल जाएगी 34,990 रुपये में, वहीं सैमसंग की ये वॉशिंग मशीन आपको मिल जाएगी 36,990 रुपये में, करीब करीब 2,000 रुपये महंगी देखने को मिलेगी सैमसंग की वॉशिंग मशीन कंपेयर टू एलजी की वॉशिंग मशीन के मुकाबले। इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है दोस्तों कि सैमसंग की ये वॉशिंग मशीन आपको वाईफाई इनेबल मिलती है, यानी कि अगर आप सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे तो आप वॉशिंग मशीन का पूरा कंट्रोल अपने मोबाइल पर ले सकते हैं और मोबाइल के थ्रू इंस्ट्रक्शन देकर वॉशिंग मशीन से एक अच्छी वॉश क्वालिटी ले सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, जबकि आपको एलजी की वॉशिंग मशीन एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन देखने को मिलती है जिसमें वाईफाई का फीचर आपको नहीं मिलेगा। वहीं प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो एलजी के वॉशिंग मशीन के सबसे पहले प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें वाईफाई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो ये की कमी देखने को मिलेगी। और एक और कमी है कि दोस्तों वॉशिंग प्रोग्राम भी आपको थोड़े से कम देखने को मिलता है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 10 वॉशिंग प्रोग्राम भी वैसे काफ़ी होते हैं। वहीं इसके फायदे की बात करें तो आपको डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर मिल रही है, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आपको फीचर्स भी इस वॉशिंग मशीन में काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों वो है कि एलजी की जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो आपको बहुत बढ़िया और अमेजिंग देखने को मिलती है। अगर आप इस वॉशिंग मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे ज़रूर चेक करें। वहीं सैमसंग की वॉशिंग मशीन के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की देखने को मिलेगी कंपेयर टू एलजी की वॉशिंग मशीन के मुकाबले, लेकिन इतनी ज़्यादा भी हल्की नहीं है। वहीं फ़ायदे की बात करें तो ये वॉशिंग मशीन आपको वाईफाई स्मार्ट इनेबल देखने को मिलती हैं, सारे आपको लेटेस्ट फीचर इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाते हैं, और एक कंप्लीट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का पैकेज आपको सैमसंग की ओर से देखने को मिलता है, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी सैमसंग की काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इस वॉशिंग मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों बेस्ट बाइंग लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। अब बात करते हैं कि इनमें से आपको कौन सी वॉशिंग मशीन अपने लिए परचेस करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन चाहिए 35,000 रुपये के आसपास के बजट में, और जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको अच्छी मिले, तो आप एलजी की वॉशिंग मशीन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वाईफाई इनेबल वॉशिंग मशीन चाहिए जिसमें पूरा कंट्रोल आप अपने मोबाइल पर ले सकें, तो फिर आप सैमसंग की वॉशिंग मशीन के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन बिफोर बाइंग आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों इनकी सर्विस सेंटर के बारे में पहले पता कर लेना है, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों आफ्टर सेल सर्विसेज में सर्विस सेंटर का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो आपको ये चेक करना है कि सर्विस सेंटर आपके नियरेस्ट हो, ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो ब्रांड की ओर से प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन वीडियो एलजी और सैमसंग की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब आप अपने लिए एक बेस्ट बाइंग डिसीजन ज़रूर ले पाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर आपके काम आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।